हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइज, आज ना मतलब काम तो मेरा जल्दी हो ही गया था, पूजा वगैरह सब हो गई है, तो मैंने सुबह कोई व्लॉग शूट नहीं किया, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी आपको ना सीटी की आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, उसके लिए एक कारण है। तो पतिदेव भी ऑफिस गए हैं, बट वो अभी आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे। उनको जाना है आज कहीं, अभी बताऊंगी व्लॉग में आगे चल के। तो पतिदेव कहीं जा रहे हैं आज, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, उनके लिए खाना पीना बनाना है, पैक करके देना है, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना पूजा वगैरह करी, उसके बाद आज लाइट नहीं है, 2-3 घंटे हो गए तब आपको लाइट किसी पूरे घर में नहीं दिखेगी, अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो मैं ना यहाँ से बना रही हूँ, जहाँ पे थोड़ी बाहर से उजाला आ रहा है ना वीडियो। तो खाने पीने की तैयारी करूँ, पहले तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, सीटी की आवाज़ आ ही रही है। और उसके बाद सबसे पहले ना चाय पीती हूँ, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी, तो चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। आज मेरा फास्ट भी है उस वजह से। तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ, दूध बॉयल होने के लिए रखा है साथ साथ, और दूध आज मैंने चेक ही नहीं किया सुबह कि दूध नहीं था, तो अभी अभी मैं लेकर भी आई हूँ। तो मन नहीं था, बट अभी मैं उनके भी लंच की तैयारी कर रही हूँ, उनके जो खाना मुझे पैक करके देना है उसकी तैयारी करी, तो साथ साथ अभी मन हो गया कि चलो चाय भी बना लेती हूँ। तो बस आप व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, पूरा व्लॉग मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और कुछ सामान भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो हम कल रात लेकर आए थे, जो कि जरूरी था, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था घर का सामान और कुछ चीज़ें ज़रूरी, जैसे कि ये पोलोथीन वगैरह कूड़ा रखने के लिए, और रस्सी वगैरह लाई थी मैं, क्योंकि बाहर जो है ना आजकल बारिश का इतना मौसम हो गया है, तो कभी बारिश कभी धूप ऐसे रहता है, तो अंदर के लिए लेकर आई थी। और एक बाल्टी एक रस्सी में नीचे सामान, जैसे कुछ होता है ना तो कभी ऊपर लेना पड़ता है तो नीचे लटका के और उसमें सामान ले लो, तो वो मैं इस वजह से लेकर आई, एक रस्सी और बाल्टी और टिश्यू पेपर वगैरह, एक कपड़े धोने वाला ब्रश, 2-3 कपड़े किचन के लिए क्लीनिंग वाले मंदिर के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कल लेकर आई थी। हस्बैंड आज जा रहे हैं कहीं, तो उससे पहले हम लोग ना कल ले आए थे ये सारी चीज़ें। तो कुछ सामान ज़रूरी होता है तो हम बीच में मार्केट वगैरह जाते हैं ना, तो वो ले आती हूँ मैं। और उससे पहले गाइज मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा, साथ में मैंने अपनी चाय बनने के लिए रखी। तो जैसे मैंने ये सामान मतलब आपको दिखाया और उसके बाद मैं अपनी चाय देखने लगी, उतने में ही ना दूध उबल के नीचे आ गया। और ये तो मेरे साथ हमेशा होता है, आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, ये सबके साथ ही होता है कि मेरे साथ ही होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और जैसे गैस एकदम क्लीन करो ना, तब तो मेरे साथ होना ही होना होता है ये, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था हस्बैंड के लिए, तो मैंने ना अपनी जो गैस वगैरह थी ना वो एकदम से क्लीन करी थी, और मतलब पूरी तरीके से क्लीन करी थी, जैसे डीपली क्लीन बोलते हैं ना उस तरीके से, और तुरंत ही अभी उस पर दूध उबल के नीचे गिर गया। अभी मुझे वो दोबारा से क्लीन करनी पड़ेगी, उससे पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी। फिर चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर हस्बैंड के लिए, जो उन्हें मुझे पैक करके देनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आलू बॉयल कर दिए थे, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर ना एक और सब्जी बनाऊंगी, जो कि होगी आलू परवल की, और वो मैं पहली बार बनाऊंगी, मैंने कभी आज से पहले आलू परवल की सब्जी बनाई नहीं। और वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव के साथ ना मिठू भैया के पापा जा रहे हैं अंकल जी, तो वो ना बिहार से, तो उनके यहाँ ना ये सब्जी बहुत फेमस है आलू परवल की। तो मैंने सोचा चलो जो मैं खाना पैक करके दे रही हूँ ना ट्रेन के लिए, तो मैं यही वाली सब्जी दे देती हूँ, अंकल को भी पसंद आ जाएगी, तो इस वजह से। तो मैं ना पहली बार बना रही हूँ, अब देखते हैं कैसी बनने वाली है। मैंने यूट्यूब पे रेसिपी सर्च करी पहले तो, और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब्जी वगैरह कट करके वॉश करके मैंने रख ली, उसके बाद मैंने ऑयल गर्म किया और उसमें मैंने ये कटे हुए परवल डाल दिए, और इसको मैंने थोड़ा सा मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। भूनने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी अलग, और उसी ऑयल में ना मैं आलू डाल दूँगी, उसको भी मैं क्रिस्पी होने तक हल्का सा भून लूँगी। तो जैसे मेरे आलू पकेंगे उसको भी मैं अलग से निकाल लूँगी, और उसी कढ़ाई में ना जिसमें मैंने इन दोनों चीज़ों को फ्राई किया है उसी में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी 1 चम्मच के करीब, और उसमें थोड़ा जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, थोड़ी सी जाएगी हींग, और बिना प्याज और लहसुन के मैं ये सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी मैं किसी भी सब्जी में यूज़ नहीं करूँगी। तो उसमें मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दिया,
उसके बाद मैं इसके लिए मसाला तैयार करूंगी जब तक मेरे टमाटर भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला ले रही हूँ, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, उसके अलावा कुछ नहीं। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और ये मसाला ना सच बता रहा हूँ जैसे सिलबट्टे पे पीसते हैं ना वैसा ही हो जाता है जब आप इसको घोलते हैं। उसके बाद मैंने वो मसाला मिक्स करके उसमें ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। अब इसको ना मसाले को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने साइड में ना दूसरी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखी, तेल गरम किया, जीरा डाल दिया, अदरक और मिर्च डाल दी, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जीरा आलू बनाने थे। तो अब मैं उसमें जो मैंने आलू कट करके रखे थे ना बॉईल किए हुए वो मैं ऐड कर दूंगी। थोड़े से मैंने बचा लिए क्योंकि मेरा फास्ट है तो वो मैं अपने लिए भून लूंगी बाद में। जब तक मेरा परवल के लिए मसाला पकेगा तब तक यहाँ पर मैं जीरा आलू बना के रेडी कर दूंगी। बाद में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जीरा आलू वाली सूखी सब्जी बन के रेडी है। उसके बाद तब तक मैंने ये वाली सब्जी बनाई, मेरा परवल वाला मसाला भी पक गया था। तो फिर मैंने जो आलू और परवल भून के रखे थे फ्राई करके वो मैंने उसमें ऐड कर दिया और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी तब तक कि मसाला उस पर अच्छे से कोट ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर दिया और सब्जी का टेक्सचर और कलर देख रहे हैं आप, वैसे ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार बना रही हूँ ये सब्जी और सच में देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी थी। और पानी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसको 5-7 मिनट ढक के पकाऊंगी। तो ये वाली सब्जी बनके रेडी है, वो भी मैं 5-7 मिनट पकाऊंगी। और 5-7 मिनट पकने के बाद ये देखिए कितना बढ़िया सा सब्जी का कलर टेक्सचर आ गया, फ्लेवर तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी सच बताऊं तो। और ये सब्जी अभी हमारी बनके रेडी है, उसमें मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया। तो दोनों सब्जी हो गई थी रेडी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी सेकनी स्टार्ट कर दिया, हस्बैंड भी आ चुके थे, वो अपनी तैयारी में लग गए, नहाने धोने लग गए मतलब, और अपने जो पैकिंग वगैरह थी थोड़ी बहुत वो करेंगे। तब तक मैं उनके जो है मुझे टिफिन पैक करना है ट्रेन के लिए, मैं वो कर दूंगी। तो बस वो अभी नहाने ही गए थे, मैंने कहा चलो मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ। और उनकी ट्रेन ना आज की 6:30 बजे की ट्रेन है, तो यहाँ से वो वही 5 बजे के करीब निकलेंगे। तो अभी टाइम भी 4 बजे के करीब हो रहा था तो मैं बस अपना काम करने लगी थी। और मैंने आपको बताया था ना कि आज ना 10 बजे से लाइट नहीं थी सुबह, और अभी टाइम 4 बजे हो गया था, लाइट आ ही नहीं रही थी। 4-5 घंटे मैं बिना लाइट के रही हूँ, पंखा भी नहीं चल रहा था मतलब इतनी गर्मी, और ऊपर से मैं खाना पीना बना रही थी। तो पतिदेव यहाँ पर देखिए तैयार हो गए, और तभी उन्होंने ना इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया, और हमारे जो इन्वर्टर की बैटरी थी ना वो बिल्कुल खराब हो गई थी, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी। मतलब लाइट जाने के बाद ना एक बल्ब भी जला दो तो वो एकदम से इन्वर्टर बोल जा रहा था। तो उसका ना नया जो है बैटरी लगवाई है जाने से पहले हस्बैंड ने, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो उन्होंने जाने से पहले ये वाला काम भी करा दिया अपने आते इन 2 घंटे के अंदर। तो बस यहाँ पर नई बैटरी लग गई थी, उसके बाद हस्बैंड भी जाने के लिए रेडी है एकदम से। और मतलब ऐसे है कि चलो जा तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत स्पेशल जगह, मतलब आपको बताऊंगी। और कभी मैं ऐसे रहती नहीं हूँ जैसे ये जाते हैं, आज मेरा पहली बार है कि ये जा रहे हैं और मैं अकेले रहूंगी। जा तो एक ही दिन के लिए रहे हैं बट बहुत अजीब लगता है मुझे सच बता रही हूँ, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, अपने घर पे भी नहीं रह पाती मायके में। तो रात को तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं इनके बिना अकेले रही हूँ, और आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। एक बार रही हूँ जब ये बॉम्बे गए थे ऑफिस की तरफ से, बट उस टाइम पे ना मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, और आज मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि ये नेक्स्ट डे ही आने वाले हैं। तो आज मैं साक्षी को अपने पास सुला लूँगी रात के लिए। तो बस हस्बैंड चले गए थे नीचे, और ट्रेन नई दिल्ली से है तो वहाँ तक ये लोग बाइक से जाएंगे, और वहाँ पार्किंग में जो है ना बाइक लगा देंगे। तो बस अंकल का वेट कर रहे थे ये वहाँ पर, क्योंकि बाइक से ना थोड़ा इजी हो जाता है घर से आना जाना थोड़ा। तो पार्किंग में खड़ी करके ना ये लोग फिर ट्रेन में, इनकी 6:30 बजे से ट्रेन है तो उसमें बैठ जाएंगे। तो बस यहाँ से मतलब मैं बाय कर रही थी, जा तो बहुत अच्छे काम से रहे हैं तो इसलिए मैं मतलब ये भी नहीं कह सकती कि मैं दुख के साथ भेज रही हूँ। हाँ मतलब थोड़ी परेशानी मुझे हो रही है क्योंकि मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, बिल्कुल भी नहीं। तो बस अंकल भी आ गए थे और अब ये दोनों निकल जाएंगे। तो गाइज मैं बताऊंगी आपको कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं वीडियो के एंड में, तो आप सब भी मतलब गैस करके बताना मुझे कि जैसे मैंने आपको ये बोला तो आप सबको क्या लग रहा है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज पतिदेव निकल गए हैं अपनी जर्नी पे, तो बस उनकी जर्नी जो है सफल रहे, शुभ रहे, मेरा भगवान से ये
तो गाइज मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और खाना पीना सब मैंने उनका पैक करके दे दिया ट्रेन के लिए रात के लिए। और जब वो आए थे ना, मतलब लेट ही हो गया था क्योंकि 2 बजे तो वो ऑफिस से निकले थे, 2:30 3 बजे 2:45 3 बजे तक घर आए थे। तो मैंने सारी तैयारियां कर दी थी, बट पूरी उनके आने के बाद से की है मैंने, और फिर पैकिंग वगैरह करी, और लाइट तो आ ही नहीं रही थी। लाइट ने इतने ड्रामे मचाए हुए हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। बैटरी ना बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बस हम चला रहे थे कि चलो निकल जाए क्योंकि ये सीजन तो गर्मी का अब जाने ही वाला है, जाने ही वाला है। बट लाइट ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया ना, क्योंकि 4 4 5 5 घंटे लाइट नहीं आती है, और एकदम पंखा भी ना चले, और ऊपर वाला मेरा फ्लैट है 3rd फ्लोर, फिर तो हालत इतनी खराब हो जाती है। तो उस चीज को लेके ना थोड़ा सा, मतलब रोज रोज ना दिक्कत बनती, रोज रोज दिक्कत हो रही थी। उन्होंने ना मतलब जाने से पहले अभी नई बैटरी रखवा के गए हैं, बिल्कुल नई। तो थोड़ा उनको ये रहता है कि मतलब मैं कभी उनके बिना अकेले रहती भी नहीं हूँ, तो उनको अजीब सा रहता है कि मेरे बाद इसको कोई, मतलब मैं जैसे जा रहा हूँ एक आध दिन के लिए, तो इसको कोई दिक्कत ना हो। तो नई बैटरी आज ही चेंज करवा के गए हैं बिल्कुल अभी अभी, तो वो वाला काम भी कराया। फिर उन्होंने नहाया वगैरह, अपना सामान पैक करा, उनके कपड़े वगैरह तो हम पहले ही रख गए थे, मतलब कुछ चीजें जो उन्हें अभी पैक करनी थी वो उन्होंने अभी साथ के साथ रखी। उसके साथ बैटरी वाला काम करवाया, और फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, सबने चाय पी। जो बैटरी वाले भैया भी आए हुए थे लगाने के लिए, उन्होंने भी, सबने बैठ के चाय पी, तो पतिदेव फिर उसके बाद निकले हैं। तो बस मेरा तो यही है कि जहाँ के लिए भी वो गए हैं, वो उनकी जर्नी सफल रहे, मेरे भगवान से बस यही प्रार्थना है। तो गाइज अभी थोड़ी बहुत ना बूंदाबांदी होने लगी थी, तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि ट्रेन आ गई या नहीं, तो 7 बजे का उन्होंने टाइम बताया, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है ट्रेन में, तो 7 बजे के करीब वो लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, अंकल और मेरे पति देव जी गए हैं बागेश्वर धाम। तो पति देव पहली बार जा रहे हैं, अंकल कई बार पहले भी जा चुके हैं, तो इस बार उन्होंने मेरे पति का भी टिकट कर दिया था कि बोले साथ में चलेंगे। तो पति देव गए हैं पहली बार, और बस मैंने आपको बताया कि मेरा तो यही है कि दोनों की यात्रा भगवान जी सफल करे। और जय श्री राम, जय बजरंग बली। आप लोग भी एक बार कमेंट में लिख देना तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, अगर आप लोग इस टाइप से कमेंट कर देंगे। और देखिए बादल कैसे छा गए हैं एकदम से, और हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता भी देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि व्लॉग के एंड में ही बताऊंगी, और अब मैं ये वाला व्लॉग करूंगी एंड। और आप लोगों को आई होप पसंद आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट जरूर करना गाइज इस वाले व्लॉग पे।